नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यह खबर है थाना निजामाबाद। डरा धमकाकर जबरन पैसा वसूली किए जाने के अभियोग में दो आरक्षी अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्व की घटना आपको बता दें कि वादी मुकदमा कैलाश प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति निवासी ग्राम हुसामपुर बड़ा गाँव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना निजामाबाद को लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 28/3/2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में अपने विपक्षी से जमीनी विवाद के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अगले दिन दो सिपाही वर्दी में घर आए और कहे कि जो प्रार्थना पत्र दिए वो उसी की जांच में हम पुलिस वाले आए हैं। एक के नेम प्लेट पर अजीत कुमार यादव तथा दूसरे के नेम प्लेट पर सत्यदेव पाल लिखा हुआ था। वादी मुकदमा से विपक्षी के ऊपर मुकदमा लिखवाने के नाम पर ज़्यादा पैसा वसूली की मांग करते हुए वादी को मुकदमा से डरा धमकाकर जबरन 6,000 रुपये ले लिए, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा 294/24 धारा 386 भवधि बनाम आरक्षी अजीत कुमार यादव व आरक्षी सत्य देव पाल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। यह खास खबर थी आजमगढ़ के निजामाबाद से। कल थाना निजामाबाद पर पब्लिक की व्यक्ति की कंप्लेंट पर दो आरक्षियों के विरुद्ध धारा 386 IPC की एक FIR दर्ज की गई है। इस FIR को दर्ज करते हुए दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसमें एक आरक्षी अजीत कुमार यादव जो जनपद आजमगढ़ में और दूसरा आरक्षी सत्यदेव पाल ये जनपद मऊ में तैनात है। इन दोनों के द्वारा जन शिकायत में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के वादी एवं प्रतिवादी व्यक्तियों से संपर्क कर कार्रवाई कराने न कराने के नाम पर उनको डरा धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप प्रमाणित होने के पश्चात ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जनपद आजमगढ़ में नियुक्त आरक्षी अजीत कुमार यादव को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई इनके विरुद्ध संस्थापित की गई है और जनपद मऊ में तैनात आरक्षी सत्यदेव पाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए SP मऊ को अवगत करा दिया गया है। जनपद में लगातार यह प्रयास जारी है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं जनपद में साफ सुथरी पुलिसिंग व्यवस्था आम जनमानस को निरंतर सुनिश्चित की जा सके।